हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार स्पोर्ट्स एंड पी। सो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज आप सबों के बीच एक बार फिर से सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023-24 का आज का मुकाबले की बात करें, आज फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किसके किसके बीच और कितना समय में खेला जाएगा ये मुकाबला फाइनल का सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप में, तो चलिए मैं बताऊंगा इस वीडियो में। साथ में दोस्तों, पॉइंट्स टेबल का भी थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा कि कौन सी टीम कितना पॉइंट्स लिया है इस सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह से स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर आप तक जल्दी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर बात करें आज का फाइनल का मुकाबला सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल का मुकाबला, भारतीय अंडर 19 की टीम के साथ खेलेगी पाकिस्तान की टीम। जी हां दोस्तों, भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का फाइनल का मुकाबला। जी हां दोस्तों, अगर समय सारणी की बात करें, चलिए समय सारणी से पहले मैं आप सबों को बता दूँ, ये जो सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप चल रहा है, सबसे अगर टॉप टीम की अगर बात करें, फिलहाल मैं आप सबों को बता दूं, पहले पिछले वाले वीडियो में भी आप सबों को बताया था कि दो भागों में बांटा गया 6 टीम को, ग्रुप ए और ग्रुप बी में, तीन तीन करके। और अगर बात करें, पाकिस्तान ए ग्रुप में था। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की टीम जो है टॉप पर था। जी हां दोस्तों, अगर बात करें पाकिस्तान की टीम 4 पॉइंट्स लेकर सबसे टॉप पर था। वहीं बात करें नेपाल की टीम, नेपाल 3 पॉइंट्स लेकर ये दूसरे पायदान पर थी। वहीं बात करें मालदीव्स अंडर 19 की टीम, ये 1 पॉइंट लेकर ये तीसरे पायदान पर थी। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रुप ए का जो है पॉइंट्स टेबल, जो कि पाकिस्तान की टीम टॉप पर थी। वहीं बात करें ग्रुप बी में, भारत की टीम टॉप पर थी। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें भारतीय टीम का पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें, 6 पॉइंट्स। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात करें भूटान की टीम 3 पॉइंट्स, और वही बांग्लादेश की टीम इस बार जो है कुछ खास नहीं कर पाई, अब 0 पॉइंट्स लेकर ये तीसरे पायदान पर रहा। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात करें पाकिस्तान अंडर 19 की टीम की अगर बात करें, 4 पॉइंट्स ग्रुप एफ में सबसे टॉप पर, 4 पॉइंट्स। वहीं बात करें इंडिया अंडर 19 की टीम, 6 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स अभी भी आगे इंडिया अंडर 19 की टीम। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड्स की बात करें तो इंडिया काफ़ी अच्छे लय में दिख रहा है, जिससे पॉइंट्स टेबल को अगर देखकर जहां तक समझा जा रहा है दोस्तों, निश्चित तौर पर इंडिया की टीम थोड़ी सी जो है पाकिस्तान से आगे चल रही है पॉइंट्स के मामले में। जी हां दोस्तों, इंडिया अंडर 19 की टीम 6 पॉइंट्स, वहीं बात करें पाकिस्तान की टीम 4 पॉइंट्स। तो चलिए, दोनों ही टीमों का आज का जबरदस्त मुकाबला खेला जाएगा फाइनल के तौर पर, इंडिया अंडर 19 बनाम पाकिस्तान अंडर 19 के बीच। तो चलिए, अगर बात करें दोनों ही टीमों का मुकाबला कब खेला जाएगा, समय सारणी का समय अगर बात करें 5:15 पर खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर इस मैच का आनंद लेना चाहते हैं दोस्तों, तो चलिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप लाइव देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इंडिया अंडर 19 बनाम पाकिस्तान अंडर 19 के बीच ये मुकाबला फाइनल का सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट। जी हाँ दोस्तों, और बेहतरीन मुकाबला खेलकर जीत हासिल करें और सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीतें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए, वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।